नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग गुरु जीवन पॉइंट जीरो में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे SSD वर्सेस HS ड्रीम इलेवन टीम ऑफ टुडे मैच ECS T10 लैंड्स कोरोना का मैच नंबर 9 और 10 खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा लैंड्स कोरोना क्रिकेट क्लब स्वीडन में, यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। भाई साथ देखोगे तो पेसर गेंदबाजों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो मिलती है। इस ग्राउंड के फर्स्ट इनिंग के ओवरेज स्कोर की बात की जाए तो 90 और 100 के अराउंड आप अपना ओवरेज स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। इसी के अंडर आपको ओवरेज स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। आई होप आपको पिच रिपोर्ट समझ आ गया होगा। बाकी इस वेन्यू की जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट होगी वो मिलेगी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी SSD की पॉसिबल प्लेइंग 11। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारे YouTube चैनल पे भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी SSD की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम ने इस सीजन 2 मुकाबले खेले, अपना एक मुकाबला वोन करके आ रही है, वही एक मुकाबला लॉस करके आ रही है। इस टीम की तरफ से आपको नाजिम मोहम्मद है वो ओपन कराते हुए मिल जाएंगे। लास्ट मैच में हालांकि केवल 7 रन बना पाए थे, सेकंड लास्ट मैच में 52 रन की काफी लाजवाब इनिंग खेली थी। इंपॉर्टेंट पिकअप के लिए रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। अगर SSD का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है उस कंडीशन में आप नाजिम मोहम्मद को GL वगैरह में CBC भी ट्राई करके चल सकती हो। उमेर चौधरी की बात की जाए तो लास्ट मैच में 13 रन बनाए, सेकंड लास्ट मैच में 3 रन बनाए। T20 में देखो तो बैटिंग औसत ओवरऑल इनका 12 का ही रहता है, तो इतनी अच्छी खासी फॉर्म इनकी नहीं रहती है, तो थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी। वहीं अगर SSD का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है उस कंडीशन में उमेर चौधरी को आप GL वगैरह में ट्राई करके चल सकती हो गाइज। वहीं साफत अली साइद की बात की जाए तो लास्ट मैच में देखो बैटिंग में 19 रन बनाए, साथ 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट निकाल के दिए। सेकंड लास्ट मैच में बैटिंग में 25 रन बनाए, साथ 2 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल गाइज। वहीं साथ देखो तो एक सेफ CVC की चॉइस रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में आप ट्राई करके चल लेना गाइज। वहीं बात की जाए मुताब उकीम की तो लास्ट मैच में बैटिंग में 21 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मैच में बैटिंग में 1 रन बनाए, बॉलिंग इन्होंने डाली नहीं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, तो आप अपनी टीम में जरूर से कवर करके चला गाइज। वहीं बात की जाए गौतम भारती की तो लास्ट मैच में 0 रन बनाए, सेकंड लास्ट मैच में 4 रन नबाद बनाए, तो थोड़ी सी रिस्की पिक आपके लिए रहने वाली है, तो आप ओनली GL वगैरह में ही ट्राई करके चलना गाइज। कार्तिक चारकी की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, उस कंडीशन में एक रिस्की पिक रहेगी, तो आप ओनली GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में ही ट्राई करके चल लेना। आदित्य सोमवंशी की बात की जाए तो लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, तो रिस्की पिक आपके लिए रहेगी, तो GL वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला गाइस, आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग भी डाल के देंगे। आदित्य अरोड़ा की बात की जाए तो लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, 2 विकेट निकाल के दिए। सेकंड लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग डाली, विकेट नहीं निकाल के दिए, और T20 में अभी तक इन्होंने 4 मुकाबले खेले, 4 मुकाबलों में 5 विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली, एक ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। यासिर मलिक की बात की जाए तो लास्ट मैच में देखो तो 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 3 विकेट निकाल के दिए। सेकंड लास्ट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मौका नहीं मिला, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। वहीं GL वगैरह में आप चाहो तो CBC भी आप यासिर मलिक को ट्राई करके चल सकते हो। प्रवीण कुमार की बात की जाए तो लास्ट मैच में देखो तो 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मैच में 0.5 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, एक ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। शिव गोड़ा की बात की जाए तो नंबर 11 पे बैटिंग करने का आते हैं, ना तो इनसे बॉलिंग डलवाई जा रही है ना बैटिंग करवाई जा रही है, तो एक रिस्क की पिकअप के लिए रहेगी, तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। वहीं बात की जाए SSD के बैचेज की तरफ, मुझे लगता नहीं इस टीम की तरफ से अन्य कोई भी चेंज होगा, अगर कोई भी चेंज होता है तो उस प्लेयर का रिकॉर्ड हम आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, और इस टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी HP की पॉसिबल प्लेइंग 11। उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी HS की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम ने इस सीजन 4 मुकाबले खेले, 4 के 4 मुकाबले हैं वो लॉस करके आ रही है। इस टीम की तरफ से आपको प्रमोद शेख
चंद्रशेखर ही है, वो ओपन कराते हुए मिल जाएंगे। फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है तो रिस्की पिक रहेगी। तो आप अगर एचएस का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में आप प्रमोद को चाहो तो जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। सुहास शेट्टी की बात की जाए तो लास्ट मैच में 32 रन, सेकंड लास्ट मैच में 35 रन, थर्ड लास्ट मैच में 31 रन, ओवर पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना चाहो तो सुमोली वगैरह में आप इस प्लेयर को वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए मदन प्रभु की तो मदन प्रभु ने लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया, बैटिंग में अपना खाता भी निकल पाए। सेकंड लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग में 0 विकेट निकाला और बैटिंग में भी खाता निकल पाए। थर्ड लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले और फोर्थ लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले। तो जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी मदन प्रभु, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप सीवीसी ट्राई करके चला, वही समोली वगैरह में चाहो तो आप प्रभु को वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। देवेंद्र सिंह की बात की जाए तो लास्ट मैच में 45 रन, सेकंड लास्ट मैच में अपना खाता भी निकल पाए, थर्ड लास्ट मैच में 10 रन नाबाद और फोर्थ लास्ट मैच में भी 32 रन नाबाद। इंपॉर्टेंट ओवर पिक आपके लिए रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला। वही बात की जाए सतीश कुंजीर की तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, फॉर्म भी इतनी अच्छी खासी इनकी नहीं रहती, तो आप ओनली जीएल वगैरह में ट्राई करके चला। सचिन शेट्टी की बात की जाए तो लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया, सेकंड लास्ट मैच में और थर्ड लास्ट मैच में और फोर्थ लास्ट मैच में तीनों मैचों में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 भी सफलता नहीं मिली, एक रिस्की पिक आपके लिए रहेगी। बाकी आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे तो जीएल वगैरह में आप जरूर से ट्राई करके चला। रवि की बात की जाए तो ना अभी तो इनसे बैटिंग करवाई गई है ना इनसे बॉलिंग करवाई गई है तो रिस्की पिक आपके लिए रहेगी, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। दिन करना की बात की जाए तो लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया, सेकंड लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट निकाल के दिए, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वही चाहो तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। गणेश कृष्णामूर्ति की बात की जाए तो लास्ट मैच में 1.5 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, सेकंड लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट निकाले, थर्ड लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट निकाले, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना। भाई जीएल वगैरह में आप चाहो तो वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। रोहित सुपेर की बात की जाए तो लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट, सेकंड लास्ट मैच में भी 2 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट, तो एक ओवरेज पिक आपके लिए रहने वाली है, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो। अहसन अली की बात की जाए तो ना तो इनसे बैटिंग करवाई जा रही है ना बॉलिंग करवाई जा रही है, तो एक रिस्की पिक आप रहेगी, चाहो तो आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। बाकी बात की जाए एचएस के बैचेस की तरफ तो मुझे लगता नहीं इस टीम की तरफ से भी अन्य कोई भी चेंजेस होगा, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उस प्लेयर का रिकॉर्ड हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ये तो हो गया दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस, अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की टीम। पहले बात कर लेते हैं गाइस विकेट कीपिंग सेक्शन में नाजिम मोहम्मद आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे, आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। सुहान सेठी की बात जाए तो ये भी आपको ओपन कराते हुए मिल जाएंगे और लास्ट के तीनों मैचों में देखोगे तो तीनों मुकाबलों में 30+ रन करवाते हुए आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। प्रमोद शेख राय की बात की जाए तो आपको ओपन कराते हुए हालांकि जरूर से मिल जाएंगे लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, अगर एचएस का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस कंडीशन में आप जीएल वगैरह में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। वहीं बात की जाए बैटिंग ऑर्डर में उमरान चौधरी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला गाइस, हालांकि फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है लेकिन इस मैच में आपको लेकर ट्रंप कार्ड पिक रहेगी। दिनाकर सिंह की बात की जाए तो फॉर्म इनकी काफ़ी लाजवाब चली है तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल लेना गाइस। गौतम भारती की बात की जाए तो हालांकि इनकी भी फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है लेकिन जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, अगर जी भारती की जगह पर आप चाहो तो एस कुंजेंस को भी अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, ये भी आपके लिए एक ओवरेज पिक ही रहने वाली है। वहीं बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में तो ऑलराउंडर सेक्शन में शहजाद अली आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी तो सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके चला गाइस। वहीं समोली वगैरह में आप सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं वाई मलिक की बात की जाए तो इनका प्रदर्शन भी इस सीजन ठीक चला, एक ओवरेज पिक आपके लिए रहेगी तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला गाइस। वहीं पी कुमार हो गया, एस शेट्टी हो गया, इनको चाहो तो आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो, बाकी आप समोली वगैरह में ड्रॉप करने का रिस्क काफी आसानी से ले सकते हो। दिनकर कर्णा की बात की जाए तो अपने फर्स्ट मुकाबले में 4 विकेट निकाले, लास्ट वाले मुकाबले में देखो तो 1 विकेट निकाले, 2 मुकाबलों में 5 विकेट निकाल के दे चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। ए हसन की बात की जाए तो इनको आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए तो सबसे पहले मधु प्रभु राबन की बात की जाए तो इनका प्रदर्शन इस सीजन देखो तो काफ़ी लाजवाब चला है, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलना गाइस। वहीं बात की जाए गणेश कृष्णामूर्ति की तो इनका भी प्रदर्शन इस सीजन काफ़ी लाजवाब चला है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। एम अकीम की बात की जाए तो एक ओवरेज पिक आपके लिए रहने वाली है, चाहो तो अपनी टीम में आप जरूर से कवर करके चल सकते हो, बाकी जीएल वगैरह में भी आप जरूर से ट्राई करके चला। ए अरोड़ा की बात की जाए तो इनका भी प्रदर्शन इस सीजन काफ़ी लाजवाब है तो ये भी आपके लिए आदित्य अरोड़ा इंपॉर्टेंट पिक रहेगी तो जरूर से अपनी
टीम में कवर करके चल सकते हो। आदित्य अरोड़ा की जगह पर आप चाहो तो एम अकीम को भी अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। रोहित सुपूर की बात की जाए तो एक ओवरेज पिक रहेगी, चाहो तो जीएल वगैरह में आप जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। बाकी चमोली वगैरह में आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए गाइज, उससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो गाइज जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी जो फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो आपको यहीं पे मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। सीवीसी की बात की जाए तो गाइज फिलहाल के लिए सी कैप्टन है वो सादर अली को मैं अपनी टीम में कवर करके चल रहा हूँ। सादर अली को कैप्टन ट्राई करके चल रहा हूँ। वाइस कैप्टन है वो यहाँ पे मदन प्रभु को ट्राई करके चल रहा हूँ। ये आपके लिए वन डाउन बैटिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे, साथ साथ दो ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डाल के देंगे। अगर आप प्रभु को चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं सादर अली को आप वीसी ट्राई करके चल सकते हो, प्रभु को आप कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। वहीं डी करना आपके लिए जीएल में ट्रंप कार्ड पिक रहेगी सीवीसी की, तो जरूर से ट्राई करके चला। उमरान अली को आप जीएल वगैरह में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। डी सिंह भी आपके लिए समोली वगैरह में और जीएल वगैरह में दोनों में सीवीसी की बढ़िया चॉइस रहेगी, चाहो तो आप जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। गाइज टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो गाइज देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ये तो हो गया। अगर गाइज आपको स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।